सफलता तीन चीज़ों से मापी जाती है, धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति योग से मिलती है। योग हमें खुद से मिलाता है, योग ईश्वर की अनुभूति दिलाता है। योग कीजिए, रोग दूर भगाइए, रोज कीजिए और जीत जाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल यानी 21 जून 2021 को मनाया जाएगा। इस बार की थीम होगी योग फॉर वेलनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6:30 बजे देश को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी 21 जून को 7वें योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सुबह 6:30 बजे पर संबोधित करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष का विषय योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। सुबह करीब 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते पूरा कार्यक्रम लाइव ही होगा, यानी इसका सीधा प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। बाहर कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। विदेशों में भी भारतीय मिशन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस बार भी लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच इस बार दूसरा योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले पिछले साल भी महामारी के बीच 6वें योग दिवस का आयोजन हुआ था। हालांकि कोरोना के चलते ये फीका ही रहा। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी थीम योग फॉर हेल्थ, योग फॉर फ्रॉम होम रखी थी। इस बार भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ इसे मनाया जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ धोने के नियम मानने होंगे। पहला विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली के राजपथ पर करीब 35,985 लोगों ने एक साथ 35 मिनट तक तकरीबन 21 प्रकार के अलग अलग योगासन किए थे। इस दौरान दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए थे। पहला रिकॉर्ड इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ एक जगह पर योगासन के लिए आना, और दूसरा रिकॉर्ड 84 अलग अलग राष्ट्रीयता वाले लोगों के द्वारा इस आयोजन में शामिल होना था। पीएम मोदी ने साल के सबसे लंबे दिन यानी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में 21 सितंबर 2014 को रखा था। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन के 177 सदस्यों द्वारा इसे मंजूरी दी गई, और 90 दिन में किसी दिवस का प्रस्ताव पास होने का यह पहला मामला था। 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। भारत समेत 190 देशों में इस दिन करोड़ों लोगों ने एक साथ योग किया था। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।